एनीथिंग आई डू आई गेट हेट. मैं खाना खाती हूँ तो मुझे हेट मिल रहा है. मैं कुछ भी करती हूँ, मैं अपने पापा के श्राद्ध का रिचुअल शेयर कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग हेट. डू आई केयर? नो आई डोंट. एटलीस्ट मैं वो क्या नाम उसका, थू क्या नाम, व्हाटएवर, थू थूकेश, उससे बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ. राइट बेस्टीज? ओके बेस्टीज, सो आई एम गोना टॉक अबाउट माई हेट एंड माई रोस्टर्स फाइनली, बिकॉज इट्स अ हार्ड टाइम. यू नो पहले इन लोगों ने मेरे पर रोस्ट बनाया, मैं वो बिकॉज मैं हेट को इतना अप्रिशिएट नहीं करती हूँ तो मेरे को इतना आई डोंट गिव अ डैम टू दैट. बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट माई फादर, इट्स नॉट गुड. मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि वो पर्सनल जा रहे हैं मेरे ऊपर. बोला ठीक है फाइन, तुमने मेरे मुंह से जितना पैसे कमाना है कमा लिया, गुड, दैट वॉज फेवर फ्रॉम माई साइड. ओके बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट माई फादर, सो आई एम नॉट गोना शट अप एंड आई एम गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग. आई एम गोना टॉक अबाउट माई परस्पेक्टिव एंड आई एम गोना टॉक अबाउट दीज रोस्टर्स एंड आई एम गोना शो द रियलिटी वॉट दीज आर उन्होंने. और मैं अपने DMs भी खोलने वाली हूँ कि इनकी सच्चाई और असलियत मैं दिखाऊंगी आज तुम लोगों को. आई विल स्टार्ट विद whatever his name is, या whatever. आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन, मतलब इफ इज वॉचिंग मेरे को ना उसको पर्सनली इधर से पूछना है ये बात कि भाई तू कब तक दूसरों के टुकड़ों में पलेगा, कब तक भाई. डू समथिंग योर ओन, अपना खुद का बना लेना, तू अपना खुद का कर. कि कब तक पूरी जिंदगी तू क्या दूसरों के टुकड़ों में पलेगा जो अभी तक करता हुआ आया है दूसरों के कंटेंट में अपना कंटेंट बना के. वैसे एक बात बता दूं, अगर मैं हम जैसे लोग कंटेंट ना बनाए ना तो तेरा तो चलेगा भी नहीं भाई, तू क्या बनाएगा फिर. एंड ऑब्वियसली ही इज जस्ट या टोटली ही इज ऑब्सेस्ड विद मी. एवरी रोस्टर इज ऑब्सेस्ड विद मी. मेरा ही फेस दिखा दिखा के व्यूज ले रहे हैं. आई थिंक वाई नॉट मी. मुझे इससे कोई पर्सनल मेरा कोई मैटर नहीं है, बट इसने मेरी पर्सनल लाइफ को जो लेकर आया है, द थंबनेल ही यूज, इसने जो मेरे फादर का थंबनेल यूज किया है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है. मैं अपने कंटेंट की बाद में बात करूंगी, मैं अपने कंटेंट को बाद में एक्सप्लेन करूंगी. पहले मैं इनकी बात करना चाहती हूँ कि ये कौन है, ये है कौन, मतलब ये बना हुआ है कि इस पे सारी अच्छी क्वालिटी है. हाँ, ये नूर का परा, हूर का परा है जो सबको जज कर सकता है, जो सबके बारे में गलत गलत बातें बोल सकता है. हाउ कैन ही यूज माई फादर पिक्चर्स एंड पुटिंग इमोजी ऑन इट. अगर कैसा लगेगा उसके पापा नहीं रहेंगे तो मैं सेम चीज करूं अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं डालूं कि हो देखो इमोजी लगा दूं, कैसा लगेगा, कितना बुरा है ये. मतलब तू करता है तेरा काम, आई डोंट गिव अ डैम, तू कमा भाई पैसे ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट व्हाट आर यू डूइंग, कुछ इमोशन है कि नहीं रहे अंदर, या पैसों के चक्कर में सब भूल गया है, या सिर्फ तेरे को सिर्फ व्यूज और ये सब्सक्राइबर्स और पैसे ही दिखते हैं. कि दिख नहीं रहा कि किसी के फादर जो जिंदा नहीं है उसके लिए तुम ऐसी चीजें कर रहे हो, शर्म है. जनरली आई डोंट वॉच हिज वीडियोज एंड आई डोंट वॉन्ट टू बिकॉज आई डोंट अप्रिशिएट हेट जो कि ये लोग फैलाते हैं, जो कि ये लोग हेट दूसरों के बारे में हेट फैलाते हैं, जो इनके फॉलोअर्स आके जो मुझे ये DM कर रहे हैं. इनकी जो ऑडियंस है, जो क्योंकि ये तो आके बस अपने ऑनलाइन आके जार दूसरों को गंदा बोल के कट लेते हैं, इनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आगे वो किस मेंटली प्रेशर से जा रहा है, उसको आगे क्या फेस करना पड़ेगा, लोग उसको कैसे बॉडी शेम स्लट शेम करेंगे. ही डजंट इवन केयर, लाइक दीज ऑल रोस्टर्स आर सेम, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं दूसरों के इमोशंस के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता. दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग. इसके ही वन ऑफ द सब्सक्राइबर होगा, देख सकते हो इसकी शक्ल. मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ कि वॉट काइंड ऑफ पीपल आर लाइक मैसेजिंग मी एंड वॉट ही सेइंग. बहन की लोड़ी पापा के शरारत पर दोस्त के घर पर जा रही है मोमोज बेच जाके. कैन यू इमेजिन दैट? व्हाट इफ द सेम थिंग हैपन विद योर सिस्टर? व्हाट इफ द सेम गाय विल टेक्स्ट योर सिस्टर ऑल ऑफ दिस? जस्ट आंसर मी, तेको कैसा लगेगा, विल यू फील गुड? तो एटलीस्ट अपने जो ये जो सब्सक्राइबर्स है ना उनको बता कि हाँ ऐसे किसी को जाके थ्रेड ना करे. तुम लोगों की वजह से वी गॉट रेप थ्रेड, वी गॉट डेड थ्रेड. तुम अगर कभी कुछ हो जाए तुम लोग क्या करोगे? आर यू गोना टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, तुम लोग तो बोलते हो नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम हेट. भाई तुम हेट फैला रहे हो, तुम हेट फैला रहे हो. तुझे पता भी बैक ऑफ द स्टोरी क्या है वीडियो की? देखा है क्या रिचुअल शेयर कर रही हूं मैं अपना उसमें कि हमारे यहाँ पे कैसा होता है क्या होता है? तुम्हारी तरह नहीं हूं कि दूसरों के कॉन्टेंट में आके बकचोदी कर देना है, क्योंकि खुद के पास तो कुछ है नहीं करने के लिए. आई एम गोना टॉक अबाउट माई पर्सनल फेवरेट, जिसकी मैं एक वीडियो भी नहीं देखती हूँ, बट बींग अ गर्ल
जो लड़कियों को स्लट शेमिंग करती है, आई एम गोना टॉक अबाउट हर. यस, योर फेवरेट सलोनी आपा. इसकी असलियत मैं दिखाती हूँ. दिस डीएम अग्नि ने मुझे मैसेज किया है, डीएम किया है, पढ़ो चैट. मैं पढ़ती हूँ इसकी असलियत. बहन व्हाट्सअप, घर पे सब ठीक. कहना ये था कि आई हैव बीन वॉचिंग योर सिंस टिकटॉक फैन. यू आर टू गुड नॉट फॉर द कॉन्टेंट यू हैव बीन क्रिएटिंग लेटली. लेकिन जो आप असल में हो वो सुपर्ब हो. देख लो बहन, अपने ही डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो. लड़की के डबल स्टैंडर्ड वहां पे मेरे बारे में मुझे फालतू बोल रही है, मुझे बॉडी शेम कर रही है, ठीक है, मुझे स्लट शेम कर रही है. और यहीं पे सेम चीज, डबल स्टैंडर्ड देखो उसके. वो सुपर्ब हो जो आप असल में हो. कैसा काम करते हो, करते रहो. हेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना. सबसे बड़ी हेटर तो यही है मेरी. ऑडियंस बहुत फ्लिपिंग है, कभी भी चेंज हो जाएगी. अपना काम करते रहना बस. लॉट्स एंड लव एंड यू गॉट अ लॉन्ग वे टू गो. एंड यस, डैम दैट बूटी. क्या बोलती है लोगों के बॉडी के ऊपर? ये लोगों के बॉडी के ऊपर तो बहुत कमेंट करती है. मेरे कपड़ों के ऊपर इसने बहुत कमेंट करा कि ओ ये क्या पहना हुआ है, वो क्या पहना है. व्हाट शी सेइंग ऑन अ यूट्यूब वीडियो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करो. तुझे क्या पता मैं क्या करती हूँ? तूने मेरी वीडियो देखी ढंग से? पूरी वीडियो देख. क्या करती हूँ मैं अपने घर वालों के लिए? तुम्हारी तरह नहीं है. मेरी रिस्पेक्ट है मेरे घर वालों के सामने. नॉट लाइक यू, डबल स्टैंडर्ड. तुम्हें मैंने दिखा दिया है असलियत. ये तो मैंने एक डीएम खोला है, इन सबके डीएम खोलने लग गई ना तो तुम्हें पता चल जाएगी लोग कैसे है. बट मेरी ना इनकी तरह आदत नहीं है दूसरों के ऊपर पैसे कमाने की. मेरे अंदर खुद का इतना है कि मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद करेंगे बिकॉज आई शो द रियलिटी, नॉट लाइक देम कि दूसरों के कॉन्टेंट में आक आके उनकी वीडियो बना बना के पैसे कमाना, क्योंकि खुद के अंदर कुछ टैलेंट तो है नहीं. भाई इस लड़की के तो इतने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है लड़की. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ द रोस्टर्स अलग, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद है. क्योंकि डबल स्टैंडर्ड तो मैंने आपको दिखा दिया विद प्रूफ कि व्हाट शी इज. शी इज सेइंग बुलशिट ऑन हर यूट्यूब वीडियो एंड शी इज मैसेजिंग मी अ डिफरेंट थिंग. आप देख सकते हो कितनी डबल स्टैंडर्ड्स है. सोच सकते हो बहन इसको नींद कैसे आती है रात को इतने डबल स्टैंडर्ड लेके. द वन ऑफ द रीजन मुझे इसलिए भी नहीं पसंद है क्योंकि शी इज अ गर्ल. ओके, एक लड़की होके दूसरी लड़की को लेट डाउन कर रही है, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है. दुनिया हमें कम करती है जो तू आ गई, जो भी खड़ी होगी उसके साथ. यू शुड चेक योर सेल्फ दैट यू आर अ गर्ल और नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और क्या कह रही थी शी टॉकिंग अबाउट माई बूब्स की, ओ ये वो इतना ये वो दिखाती है. भाई मेरे पास है, मैं क्या करूं, दिखेगा. नॉट लाइक हर कि मैं किसी लड़की के बारे में बुरा बोलूं, फालतू बोलूं. कभी आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा नहीं होगा ये सब करते हुए, कभी नहीं करते हुए देखा होगा मैंने, ठीक है. बट अब ये मेरे नर्व पे चढ़ गई है और मुझे बोलना ही पड़ेगा बिकॉज आई वॉच्ड हर वीडियो. मैंने ये थुकेश की भी, उस बहन की भी वीडियो नहीं देखी मैंने, पर इसकी देखी मैंने वीडियो, इसकी मैंने पूरी वीडियो देखी. मैंने कहा देखे तो जरा क्या क्या बोलती है मेरे बारे में, क्योंकि डीएम में तो मेरी बड़ी बूटी की तारीफ करी जा रही थी, विच इज वेरी नाइस, आई वर्क हार्ड ऑन इट. और यहाँ पे जब मैंने उसकी वीडियो देखी जहाँ पे वो मेरी बुराइयां पे ले जा रही है मेरे, उसके बारे में कि हाँ ये वो खाती जा रही है, खाती थी तेरे, आई डोंट गेट इट, तेरा खा रही हूँ क्या? तू दे रही मेरे खाने के पैसे? Are you paying my bills? No. तो तू कोई नहीं होती कि तू मेरे खाने के ऊपर बात करे, मैं खाए जा रही हूँ क्या करे जा रही हूँ. It's my life. तुझे तो content चाहिए, उसमें से निकाल के content बना रही है, तू अपना चला रही है अलग ही. I saw her one more video, ठीक है, जिसमें ये और दूसरी लड़की के character के बारे में बात कर रही है. I felt so 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 bad. How can she say that? कि उसका कैरेक्टर तो पता ही चल रहा है. भाई तुम कैसे एक लड़की हो के दूसरे के कैरेक्टर को जज कर सकती हो और दूसरे कैरेक्टर के बारे में बोल सकती हो? और इट्स मीन तुम स्लट शेमिंग को बहुत प्रोवोक कर रही हो. बट क्यों बहन, डीप नेक तो तू भी डालती है. अब मेरी तो गलती नहीं है ना इस पे, और मेरा ज्यादा दिखता है डीप नेक में. इट्स नॉट माई फॉल्ट, राइट? हाँ, तो अगली ने मेरे को बॉडी शेम भी किया अपने चैनल पे. है गई भैंस पानी में. तुझे आइडिया भी है कि तूने क्या बोला है? बॉडी शेम जो तू मुझे कर रही है, तुझे आइडिया भी कि गलत बात है ये? किसी के मेंटली कितना फर्क पड़ता है? डू यू इवन नो दिस? तुझे पता भी मैं किस चीज से गो थ्रू कर रही हूं, कितना मैं हार्ड वर्क कर रही हूं अपने ऊपर? डू यू इवन नो दिस? नो यू डोंट, बट यू जस्ट सेड इट. क्योंकि तुम लोग ये सब चीजें नॉर्मलाइज कराते हो लोगों को, बोलते हो तुम, क्योंकि तुम बोल देते हो फिर तुम्हारे जाके सारे सब्सक्राइबर्स जाके हमारे कॉमेंट में आके सब हगते हैं. दिस इज वॉट यू गाइज डू, विच इज नॉट गुड. बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग, ये सब तुम लोग इतना नॉर्मल कर रहे हो, विच इज नॉट.
क्योंकि तुम ही इन चीजों से गो थ्रू नहीं कर रहे हो। ताई तुम बोलोगे भाई मोटे को मोटा नहीं बोले तो क्या बोले, व्हाट द फक, तुम उस चीज से गो थ्रू करो भाई। हमने तो कभी तुम्हारी शक्ल में कमेंट नहीं करा, हमने तो नहीं बोला कि तुम कैसे दिखते हो। आई डोंट नो वो लोगों की बॉडी पे फेस पे कैसे कमेंट कर लेते हैं, मतलब ये लोग कैसे कमेंट कर लेते हैं, मतलब तुम लोगों ने क्या ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट लिया है कि तुम परफेक्ट हो और तुम लोग ये सब कर सकते हो। हाँ ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो, क्या तुम लोग परफेक्ट हो? आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि तुम लोग तो उठा के बॉडी शेम करते रहते हो। इसने तो बड़े आराम से मुझे बोल दिया भैंस, बिना सोचे समझे। तुम लोग को कोई भी आइडिया नहीं है कि अगला इंसान कैसे जा रहा है, उसकी लाइफ पहले से ही खराब होती है, उसको तुम ये सारी बातें बोल के ना उसको और खराब कर देते हो, ठीक है? बिकॉज यू डोंट नो हाउ वी फील, वॉट वी आर गोइंग थ्रू। डू यू इवन नो लोगों को बहुत सारी डिजीज होती है, दैट्स वाई दे कांट लूज वेट। आई हैव PCOD, आई कांट लूज वेट, आई हैव ईटिंग डिसऑर्डर। फिर बट तेरे लिए तो मजाक है ये सब, बट ये सीरियस मैटर है, ये मजाक नहीं है, किसी की लाइफ होती है इसमें। जो मेरे फादर के पिक्चर लगा के थंबनेल में, व्हाट इफ हैपेंस टू, सेम आई विल से द सेम थिंग, व्हाट इफ हैपेंस टू योर फादर? तुम लोगों को कोई आइडिया भी है कि किसी के जब फादर नहीं होते उनकी लाइफ में कितना कितनी मुश्किलें होती हैं? जो तुमने बड़ा आराम से उसमें कंटेंट बना दिया, सारे के सारे उठ के आगे कंटेंट बनाने लग गए, सारे के मेरे ऊपर चढ़ने लग गए। जब तेरे ऊपर चढ़े थे तब क्या हुआ था? सुना है मैंने कैसे रोई थी तू अपने यूट्यूब पे फूट फूट के? हाँ बड़ा रोई थी तब तो, ये सारे गैंग अप हो गए। तू भी तो वही चीज कर रही है, अपने टाइम पे तूने सिंपैथी कार्ड खेल लिया। बट आई डोंट वॉन्ट तुम सबकी सिंपैथी, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं क्योंकि मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ और अपना करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं दूसरों के टुकड़ों में पलना, दूसरों के कंटेंट में अपना कंटेंट बनाना, कंटेंट भी नहीं बोलूंगी। तुम्हें तो बस रोस्ट करना, बॉडी के ऊपर कमेंट करना है ना, उनके कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करना और अपने लोगों को यही सिखाना। अरे इसने मेरे गुची बैग के बारे में भी कमेंट करा है कि पालिका से लिया है ये एंड वो है। तुझे पता भी है गुची कितना बड़ा ब्रांड है और कितने का वो बैग है? रिसर्च करी तूने? देखा मेरा व्लॉग गुची स्टोर पे जाके कैसे खरीदा था मैंने? तू कभी गई है गुची स्टोर? नाउ टेल मी, रिसर्च करके बोला कर। किसी के बारे में कुछ भी बोलने से, बड़ी मेहनत से मैंने वो बैग खरीदा है, किसी के बॉडी के ऊपर और किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोल के नहीं पैसे कमाए हैं मैंने, मेहनत करके कमाए हैं बहन। ये थुकेश बहन ने तो जो मेरे बारे में बोला है कि आई एम अ वर्स्ट इन्फ्लुएंसर, लुक एट योर चैनल, पूरे तो चैनल में हेट भर रखा है तूने, पूरे तो चैनल में लोगों के बारे में तू हेट ही बोल रहा है। फिर बहन सोच समझ तो ले क्या बोल रही है कि आई एम द वर्स्ट इन्फ्लुएंसर, लुक एट योर सेल्फ हनी। तो जितने भी रोस्टर्स है जो ये लोग कमेंट करते हैं लोगों की बॉडी अपीयरेंस पे, उनकी उनके टैलेंट पे या जो भी वो कर रहे हैं उनकी चीज़ों के ऊपर जो ये लोग कमेंट करते हैं, तो आई वांट टू नो क्या आपके पास ये जो बिल्कुल एकदम अच्छा होने का सर्टिफिकेट है दैट यू आर परफेक्ट, क्या दैट्स वाई लाइक यू आर मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल उनके कैरेक्टर के बारे में बात करके? हाँ तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है इन सब चीज़ों का जो तुम लोग दूसरों के बारे में ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हो? खुद तो तुम बन जाओगे उनके बारे में बुरा बुरा बोल के अच्छे, है ना, और उनके बारे में बुरा फैला दिया, उसके बाद जो उनको हेट मिलता है इंटरनेट पे, तुम लोगों को डू यू हैव एनी आइडिया कि कितना डिप्रेसिंग होता है ये सब चीजों से जाना? लोग आपको स्लट शेम कर रहे हैं, लोग आपको गंदे वर्ड्स बुला रहे हैं, लोग आपकी फैमिली को गाली दे रहे हैं, ठीक है, लोग आपको डेड थ्रेट दे रहे हैं, लोग आपको रेप थ्रेट दे रहे हैं, वो मतलब ये सब चीजें तुम लोग करते हो ये सब चीजें। बोला है मैंने कि अगर मैंने अपने DMs खोले ना, मैंने सिर्फ एक DM खोला है, और तुम देख लो अगर मैंने सबके DMs खोल देना तब तुम्हें पता चल जाएगा इनकी असलियत। ओके I wanna make it clear कि मुझे किसी रोस्टर से कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम करो जो तुम्हें करना है तुम करो, बट एटलीस्ट जो तुम रोस्ट करते हो उन्हें हेल्दी वे में करो और किसी के सेंटिमेंटल के साथ तो मत खेलो। जो इंसान जिंदा नहीं है उसके बारे में तो मत बोलो, उनकी चीज़ों के तो मत उठाओ, एटलीस्ट तुम अपने दिमाग में तो ये सब चीज़ें डाल सकते हो ना, या उतने भी सेंस नहीं है तुम्हें? Now I'm gonna talk about another one. उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, because he's also I think he's obsessed with all the thick girls, you know. He's obsessed with Ashika Bhatia also and now me also. तो yes, इसके बारे में तो देखो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, क्या ही बोलूं, मतलब he's a disgusting guy I ever seen. जो अपनी माँ के साथ ढंग से बात नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से तो वो दुनिया का worst इंसान है। मतलब I didn't saw his video, मेरी माँ ने उसकी वीडियो देखी जिसमें वो मेरे वीडियो पर रिएक्ट करवा रहा था, एंड द वे ही इज टॉकिंग टू हीज मदर,
तो मैं मम्मा ने यही बोला कि भाई जो अपनी मम्मी से ढंग से नहीं बात कर रहा है वो और लड़कियों से क्या बात करेगा. तो मैं तो इससे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि मतलब जो अपनी मम्मी से ढंग से नहीं बात कर सकता, जिसको अपनी मम्मी से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो दूसरी लड़की को क्या ही तमीज़ करेगा. सो आई डोंट वांट टॉक अबाउट हिम. वन पर्सन क्वेश्चन टू ऑल दीज रोस्टर्स, अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, आई अंडरस्टैंड भगवान हर किसी को जैसा नहीं बनाता, एटलीस्ट बातें तो अच्छी कर लिया करो, कुछ मुंह से अच्छा निकाल लिया करो. एंड नाउ बैक टू माय कंटेंट, जहाँ पे ये सारे घटिया से मीम बन रहे हैं, जहाँ पे इन लोगों को तमीज़ नहीं है कि किसी ने अपने फादर को लॉस करा है और दे आर मेकिंग फन ऑफ इट. तुम लोगों ने वीडियो भी ध्यान से देखी, बस हवा हवा में बनाते चले गए, हवा हवा में ये चल गया कि हाँ भाई ये वो ये इन्फ्लुएंसर ऐसे कर रही है अपने पापा के श्राद्ध में. वहीं पे ये लोग पूरे व्यूज के लिए, इसके लिए, उसके लिए. अच्छा बेटे, मैं उसमें अपनी उसी वीडियो में अगर रोती ना, अगर मैं उस वीडियो में रोती तो उस वीडियो में जितनी रीच है ना उससे ट्रिपल रीच होती मेरी, याद रखना. बट मैं उस वीडियो में रोई नहीं हूँ क्योंकि मैं उस वीडियो को नॉर्मलाइज करा रही हूँ कि इट्स नॉर्मल नाउ, इट्स नॉर्मल. और आई एम शेयरिंग माई रिचुअल कि भाई हमारे यहाँ पे जब श्राद्ध होता है तो हम ओनली वन टाइम एक मील खा सकते हैं, जो कि मैं अपने घर से लेकर गई थी, जिसमें से हम आप एक ही बार नमक और तेल खा सकते हो और आप पूरे दिन नहीं खा सकते हो. आई एम हैविंग फ्रूट्स क्योंकि आप नहीं खा सकते हो. मैं वो सब अपना रिचुअल शेयर कर रही हूँ कि हमारे में ये सब होता है श्राद्ध में. क्या ये गलत है? आई एम आस्किंग यू ऑल बेस्टीज, क्या ये चीज गलत है कि मैं अपना रिचुअल शेयर कर रही हूँ? आई डोंट थिंक सो, इट्स रॉन्ग. मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा. पर ये लोग को क्या दिखा रहे अपने श्राद्ध, पापा वाले श्राद्ध वाले दिन, हिज फादर इज वॉचिंग एंड ही लाइक व्हाट द, क्या तुम लोग को आइडिया भी व्हाट यू गाइज आर डूइंग? तुम्हें कुछ पता भी जो तुम ये चीज बना रहे हो? तुम्हें डू यू नो कितना मुश्किल होता है एक फैमिली के लिए सफर करना? हम ऑलरेडी वी गाइज आर सफरिंग और नाउ यू आर डूइंग दिस. और मैंने कहा है कि ये कोई व्यूज और लाइक्स के लिए नहीं था. अगर मुझे इसके लिए होता तो मैं रोती उस वीडियो में, जो कि मैं नहीं रोई हूँ. आई एम स्ट्रांग, आई वॉन्टेड टू शो पीपल दैट आई एम स्ट्रांग नाउ. ठीक है, और हम रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ही इज इन आर हार्ट स्टिल. और ये सारे के सारे मजाक बना रहे हैं इसका. मजाक तो तुम लोग ने बनाया, जो तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैंने मजाक बनाया, मजाक तुम लोगों ने बनाया है मेरे फादर की डेथ का. बिकॉज यू गाइज डोंट नो हाउ इट फील्स जब तुम्हारे साथ होगा ये सब चीजें, जब समझ सकते हो ना व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि तुम लोग को पता नहीं होगा, शायद से काफी लोगों को पता नहीं होगा हाउ इट फील्स व्हेन यू आर नॉट रेज्ड बाय योर फादर. ठीक है, सो तुम लोगों के ना पास ये हक नहीं है कि तुम ये सब बातें बोलो किसी को और उसका और उसके पापा का मजाक बनाओ. बिकॉज माई फादर इज नॉट अलाइव एंड यू कैन से ऑल ऑफ दीज स्टफ टू माई फादर. तुम मेरे बारे में जो बोलते हो बोलो, आई डोंट गिव अ डैम ना. मैंने कभी दिया है कितने रोस्ट बने थे, मैंने कभी कुछ नहीं बोला. बस आई डोंट गिव अ डैम. बट तुम मेरे फादर के ऊपर नहीं बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हो मेरी फैमिली के ऊपर, कुछ भी नहीं बोल सकते हो. इतनी फालतू चीजें स्प्रेड नहीं कर सकते हो जो तुम लोग अभी कर रहे हो. आई टेल यू वन थिंग, गॉड इज वॉचिंग यू. जो तुम ये फैला रहे हो ना जस्ट फॉर द व्यूज एंड ऑल, ये जो तुम फैला रहे हो ना, गॉड इज वॉचिंग यू. कर्मा, मैं तो इसी चीज़ पर बिलीव करती हूँ. और वैसे वन थिंग आई वॉन्ट शेयर मतलब दिस थिंग फॉर माई ऑल द सब्सक्राइबर्स. आप लोग मुझे हमेशा कॉमेंट में हमेशा बोलते थे कि आप अपने फादर को क्यों नहीं दिखाते, आप अपने फादर के बारे में बात क्यों नहीं करते, आप अपने फादर को क्यों नहीं दिखाते. यही रीज़न है. आप लोग देख रहे हो ना, मैं अपना रिचुअल शेयर कर रही हूँ तो लोग उसके बारे में मीम बना रहे हैं, लोग उस चीज के ऊपर रोस्ट कर रहे हैं, मेरे फादर की डेथ पिक्चर के ऊपर इमोजी लगा रहे हैं. यही रीजन है कि मैं नहीं शेयर करती हूँ. और यही आप लोग जो बोलते हो ना कि उसकी फोटो दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी. मैं वो दिखाऊंगी जो मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं दिखाऊंगी. मुझे किसी की फोटो नहीं दिखानी है, कौन कैसा दिखता है मुझे नहीं दिखाना है, और मुझे नहीं बात करनी है. बिकॉज ये चीज मुझे बहुत हर्ट करी, ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि मेरे पापा का मजाक बनाया जा रहा है जो कि जिंदा भी नहीं है. इट फील्स सो बैड. लोग नहीं समझते होंगे बिकॉज दे हैव फादर, और जिनके पास नहीं है वो समझते हैं इन चीजों को. जस्ट लाइक फील सो बैड. आई अंडरस्टैंड, आई नो यू आर नॉट इमोशनल पर्सन, लेकिन जब हम उस बारे में बात करते हैं तो अपने आप इमोशनल साइड. आई डोंट जनरली टॉक टू यू ऑल ऑफ यू बट ये दुनिया वाले सारे मजाक बना के रख रहे हैं, अच्छा तो ना लगता है यार. एज अ फ्रेंड आई नो आई नेवर आस्क अबाउट योर फादर एवर.
because I know it feels so bad. It feels so bad. Yeah, know? That's what friends do, bitch. You're a bad bitch. You are a bad bitch. I'm a bad bitch. You're a bad bitch. I don't even know what's going on. She's a bad bitch. Yes. You're a good person. I know you. But let it be. Yeah, exactly. These are. Are you guys? I mean, seriously, guys. Come on. I mean, आप एक वीडियो से किसी को जज नहीं कर सकते प्लीज स्टॉप इट हाँ भाई प्लीज मेरी और वीडियोस देखो एग्जैक्टली प्लीज एग्जैक्टली एक वीडियो से किसी को जज नहीं I mean, यार कम हो यार आई नो एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी पर यार एक वीडियो से किसी को जज नहीं कर सकते एग्जैक्टली जस्ट स्टॉप गर्ल फाइन थैंक यू एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टेल दीज रोस्टर्स कि भाई तुम लोग जो वीडियो बनाते हो and I wanna thank my haters too because they be downloading my stuff so they can hear it and talk crap about it, but it benefits me. Yeah, it benefits me. And because क्योंकि तुम्हारे subscribers मेरे पास आके बोलते हैं कि हम आए थे आपका roast देख कर और हम आपका content देखते हो आप तो बहुत अलग इंसान हो आप तो ऐसे नहीं हो जैसा वो लोग portray करते हैं मेरे को पहले men hater बना दिया है what the hell I have two brothers how can be a men hater I was just creating a content मैं कोई men hater नहीं हूँ I want 10 boyfriends इसमें क्या बुरी बात है बनता नहीं अलग 90% male best friends हमारे पास हाँ ओ माई गॉड यस मैं तो सारे लड़के भी सारे लड़के ही दोस्त है मेरे लड़कियां तो एक आध है मेरी बस सारे लड़के दोस्त है मेरे हाउ कैन बी अ मैन हेटर यार लड़के बहुत पसंद है मुझे कितनी बातें करती हूँ लड़कों की मैं कितने लड़के देखती हूँ तो आई एम नॉट अ मैन हेटर और मुझे ये बेनिफिट करता है क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखे और आप ऐसे हो आप इतनी मेहनत करते हो एंड ऑल मैंने इवन इन रोस्टर्स के कमेंट सेक्शन में देखा काफी लोग मेरी साइड ले रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं उनको कि नहीं वो बहुत मेहनत करती है आप उनकी और वीडियोज देखो आपको पता चलेगा शी वर्क हार्ड ऑन हर सेल्फ मैंने बहुत मेहनत करी है अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में और जो मैं थी पहले मैंने किस हालत से मैं और अब इस खड़ी हूँ ये लोगों को नहीं पता ये जस्ट मजाक उड़ा देंगे स्लट शेम कर देंगे बॉडी शेम कर देंगे इनके लिए ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है बट नॉट फॉर मी और मैं इन चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ तो आई थिंक बहुत रोना धोना हो गया और प्लीज गाइज ये एक हैप्पी वीडियो है मैं बस चाहती थी कि मेरा पर्सपेक्टिव भी लोग जाने ठीक है बिकॉज ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं इंटरनेट पे ये लोग तो कुछ भी फैला रहे हैं इंटरनेट में इवन जितने भी ये न्यूज अकाउंट्स है जिनके भी ये वेरीफाइड वाले ये सब मेरे बारे में ये सब चीजें पोस्ट कर रहे हैं ठीक है इन आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट मे बी आई एम दैट मच फेमस कि अब इनको मेरा चेहरा यूज करना पड़ रहा है बट इट्स गुड और ठीक है मतलब आप गलत चीज फैला रहे हो ये चीज को मैं जस्ट नॉलेज देना चाहती थी कि ये चीज गलत है बिकॉज अगर आप भी जाके वो वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं बोला है और मैंने उसमें साफ लिखा है कि आई एम शेयरिंग माय रिचुअल जहां पे हम लोग श्राद्ध वाले दिन सिर्फ एक मील खाते हैं और उसके अलावा हम फ्रूट्स खा सकते हैं नमक और तेल के अलावा हम कुछ नहीं खा सकते हैं और मैं उसको नॉर्मलाइज कर रही हूँ कि नाउ वी आर डूइंग बेटर सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इज वाज वेरी इंपॉर्टेंट तो नो हेट नथिंग गाइज अब आप लोग भी प्लीज इनके सब्सक्राइबर्स के तरह जाके इनको कुछ मत बोलना क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता है प्लीज आप मत करना बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो पॉजिटिव रहे मेरी तरह पॉजिटिविटी फैलाए तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सेम चीज वही चीज करो पॉजिटिविटी फैलाओ नेगेटिविटी में कुछ नहीं है वैसी दुनिया में कम नेगेटिविटी है जो ये लोग उठा के और वीडियोज बनाते हैं तो आई डोंट गिव अ टू देम नाउ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेस्टीज लव यू एंड कीप सपोर्टिंग मी आप मुझे इतना प्यार करते हो मेरे लिए वो इनफ है ये सब मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता ये सब मुझे बिल्कुल भी मुझे चीजें नहीं फर्क पड़ती जस्ट बिकॉज दे टॉक अबाउट माई फादर मेरे फादर का जो थंबनेल यूज कर रहे हैं टू गेट व्यूज उनके अंदर इतनी इमोशंस नहीं है इस बारे में मुझे बात करनी थी कि कितने सिक है ये माइंड से तो दैट्स इट दैट्स वॉट आई वॉन्ट टॉक अबाउट इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव मी एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग माई फैमिली एंड मी थैंक यू लव यू बेस्टीज बाय